मुंबई के चेंबूर वार्ड नंबर 155 में रखा गया मुफ्त मेडिकल कैंप, जिसमें भारी संख्या में जनता ने भाग लिया और लोगों को होने वाली बीमारियों से किस तरह छुटकारा दिलाया जाए इसकी पहल नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे ने की। इस मेडिकल कैंप में काफी वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और अपना मेडिकल चेकअप करवाया। इस मेडिकल कैंप में शिवसेना से चेंबूर के आमदार प्रकाश फातेरकर और शिवसेना के नेता भी मौजूद रहे। आज ये मेडिकल कैम्प जे लावलेला आहे, जो पावसाची अतिवृष्टि झाली आणि सगळीकडे पाणी भरलं गेलं होतं आणि त्या पीरियड मध्ये आज फक्त आणि फक्त लोकांना मदत करायला शिवसेना उतरली होती मुंबई भर आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं एक दिवसाच्या गॅप नंतर मला वाटतं दुसऱ्या दिवसापासून आम्हाला आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी यांनी आदेश दिले की प्रत्येक शाखेमध्ये जास्तीत जास्त कॅम्प लागले पाहिजे मेडिकल कॅम्प, त्याप्रमाणे त्यांच्या आज्ञेचं पालन करून चेंबूरमध्ये आमच्या विभागामध्ये सगळ्या शाखेमध्ये दररोज आज ना उद्या आज उद्या परवा असे करत करत हे कॅम्प होत आहेत। आज शेट्टे साहेबांनी या इथे या म्हणजे वॉर्ड 155 मध्ये जो कार्यक्रम लावला, काल 150 मध्ये होता लोखंडे मार्गावर इतर, आज परत 152 मध्ये होता, असे करत सगळ्या वॉर्डमध्ये आम्ही कॅम्प लावतो आहे आणि शिवसैनिक तिकडे हजर आहेत आणि दिवसाला मला वाटतं 400 ते 500 लोक त्याचा उपयोग घेत आहेत आणि हा जो कॅम्प लावण्यामध्ये उद्देश जो आहे तो पाणी पडलं सांडपाणी आतमध्ये आलं लोकांना रोगराई होऊ नये, डेंग्यू चे पेशंट वाढलेत आणि या निमित्त हा कार्यक्रम लावला आहे। हा BMC तर्फे लागलेला आहे आणि त्याबद्दल मी BMC चे धन्यवाद या सगळ्या चेंबूरच्या जनतेवतीने मी त्यांचा धन्यवाद मानतो आहे, कारण त्यांनी हे अतिशय योग्य प्रकारे पाऊल उचललं आहे आणि शिवसेनेला आज म्हणजे या त्यांच्या आपल्या शिवसेनेच्या कार्यक्रमाला म्हणजे त्यांनी मुख्य मेन म्हणजे हातभार लावून आज लोकांच्या उपयोगी BMC पण पडत आहे आणि त्याच्यामध्ये आज जो एम वॉर्डमध्ये झिरो वेस्ट गार्बेज हा जो सुका कचरा ओला कचरा आणि ई वेस्ट याच्याबद्दल जी डेमॉन्स्ट्रेशन दिलं आहे म्हणजे एक्झिबिशन लावलं आहे त्याबद्दल मी काळे साहेब आणि आपले DMC मराठे साहेब यांचे पण धन्यवाद मानतो आणि राहुल शेवाळे वगैरे आम्ही तिथेच होतो आणि हे अतिशय सुंदर प्रकारे हे सुरुवात केली आहे। जेव्हा मी नगरसेवक व्हायच्या अगोदर मी अग्नी आणि जागचा सेक्रेटरी होतो आणि तेव्हा आम्ही हे सुका कचरा ओला कचरा तेव्हापासून आम्ही सुरुवात केली घरोघरी जाणं आणि सोसायटीमध्ये जाणं, तेव्हापासून आपण सुरुवात केली आहे। कारण पहिल्यांदा काय कसं व्हायचं, गाड्या जायच्या आपण सगळ्या सोसायट्यांना सांगायचो ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळं करून ठेवा, त्यांना डबे पण द्यायचो, पण व्हायचं काय की BMC ची एकच गाडी यायची आणि ओला आणि सुका आपण मेहनत करून पण तो तिथे पाडायचा एकत्र जायचा, म्हणजे त्याचा काही फायदा होत नव्हता। पण आता जी स्टेप उचलली आहे BMC ने अतिशय चांगली आहे आणि सगळ्यांना घरोघरी जाऊन आपल्या पण आपण आम्ही शिवसैनिकांना आणि नगरसेवकांना पण सांगेन प्रत्येक घरोघरी जाऊन, आता अजून त्यांचा फंड यायचा आहे, अजून फंड नाही आला आहे नगरसेवकांचा, दोन दोन डब्बे म्हणजे सुका आणि ओला हे सेग्रिगेट करून द्यायला आणि ही सोसायटी मोठी आहे तर एक कंपोज करायला साहेबांना सांगतो मी आपल्या नगरसेवकांना श्रीकांत शेट्ट्यांना की एक मशीन असा घ्या लोकांच्या कॉन्ट्रीब्युशननी आणि मंथली काहीतरी घेऊन हा प्रोसेस चालू करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोला नहीं, यहाँ पे जगह हॉस्पिटल के अधीक्षक तो फिलहाल नहीं है, मगर ये जो कॉलोनी अभी हो गया है, कौन सी कॉलोनी है उधर की, माहौल की, माहौल माड़ा कॉलोनी, वहाँ पे काफ़ी सुविधा देने के लिए हमारे नगर सेवक शेट्टे साहब ने वो बहुत मेहनत की है और वहाँ पे फिलहाल एक दवाखाना चालू किया है
और वो मेरा ख्याल से अभी थर्सडे को चालू है, गुरुवार को चालू है और इसके बाद वो नियम रूप से चालू उपलब्ध पब्लिक के लिए रहेंगे, क्योंकि उसके लिए शेट्टी साहब ने बहुत सारा मेहनत किया है उसके लिए। नहीं, ये तो शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब का आदेश कि 29 तारीख को जो बारिश मुंबई शहर में गिरा उसके बाद में बहुत सारे ऐसे रोग जो फैलाते हैं, इसलिए साहब ने हम लोग को आदेश दिया, मुंबई के सभी शिवसेना के पदाधिकारियों को आदेश दिया कि हर एक गली में, हर एक बस्ती में आप जाके ऐसे कैंप का आयोजन करें ताकि लोगों को उसका फ़ायदा, ये पानी जहाँ जहाँ पे उस दिन जमा हुआ था उसके बाद में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आपत्ति आ गई, उसके बाद में ये हम लोग ने शुरू किया। और जैसे आपको मालूम है कि ये शिवसेना का काम ही है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, तो उसका एक पार्ट है ये। और इसीलिए हमारे अभी हमारे यहाँ के नगर सेवक है, शेट्टे साहब है, बहुत सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने नगर सेवक है, हमारे MLA, हमारे MP है, हर एक के माध्यम से पूरे चेंबूर विधानसभा हो, अनुशक्ति नगर हो या साइन कोलीवाड़ा हो, हर एक जगह पे बहुत सारे कैंप, ये आज के दिन में मैं छठवां मेडिकल कैंप है जिसका उद्घाटन मैंने आज यहाँ पे किया है। नहीं बिल्कुल, ये आपने जो अभी बता दिया है बिल्कुल सही है कि शताब्दी अस्पताल है, महा अस्पताल, उसके अलावा ऐसा कोई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आजू बाजू में है नहीं, और इसलिए हम लोग की हमारे MP साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा, जैसे हमारे बड़े बड़े अस्पताल है, नायर है, KM है हमारा और साइन अस्पताल है, इस अस्पताल की धरती पर वैसे ही अस्पताल का इस क्षेत्र में निर्माण करें ताकि लोगों को वहाँ पे जाके सभी सुविधा वहाँ पे मिलना चाहिए। तो हम लोग प्रयत्नशील है और ज़रूर हम लोग कोशिश करें, हमारे MP साहब, हमारे MLA साहब और हमारे जितने भी नगर सेवक है वो, तो उसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। जब 29 तारीख को जब बारिश गिरा मुंबई में, तो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने नेक्स्ट डे मीटिंग लेके हम सब नगर सेवक को, शाखा प्रमुख को आदेश दे दिया कि जो गटर के पानी के कारण या और जो नाले वगैरह के कारण घर में जो पानी घुस गया था उससे कई बीमारियां फैलती है, तो उसके ऊपर उपाय करने के लिए हर शाखा में, हर नगर सेवक, आमदार, खासदार सबको आदेश दे दिया कि जगह जगह पे मेडिकल कैंप लेके ये सब बीमारी का निपटारा हो जावे ताकि लोगों को मलेरिया, डेंगू, ये सबसे बचाव हो जावे। इसीलिए हम पूरे नगर सेवक, शाखा प्रमुख हमारे, सब उप शाखा प्रमुख, गट प्रमुख, ये सब मेहनत करके जगह जगह पे शाम कैंप लेके गरीब लोगों को कैसा ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा होए, लाभ मिले, वो हिसाब से हम लोग कैंप रख रहे। मेरा ये चौथा कैंप है, पांचवा कैंप कल लाल डोंगर में रहेगा और हर कैंप में करीबन 450-450 लोग आते हैं और वो ये सब दवाई का लाभ लेते। माड़ा जो बस्ती का विषय है वो बहुत बड़ा विषय है, मैं MC मीटिंग में भी ये सब बातें रखी थी जब वार्ड पे MC आए थे, उस मीटिंग में भी मैंने बहुत सारी बातें रखी है कि आप बस्ती तो बना देते लेकिन सुविधा के बारे में आप कुछ सोचते नहीं, और वहाँ जब लोग जाते तो उनको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो ये सब सुविधा के लिए उन्होंने फिर आश्वासित किया कि वहाँ मार्केट है, स्कूल है, एक प्रसूति गृह है और ऐसा सब सुविधा का बताए, लेकिन मैं बोला जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक बस्ती मत बढ़ाओ ना, जब ये सब सारी सुविधा हो जाएगी तब आप उन लोगों को शिफ्ट किया करो। तो प्राइमरी स्टेज पे अभी जल्दी वहाँ मैं सिटी स्कैन मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी लैब, ये सब शुरू करने जा रहा हूँ, हो सकता है 2-4 महीने में उसका इम्प्लीमेंट होके वहाँ के लोगों के लिए म्यूनसिपल्टी जो रेट्स है उसी के अंदर उनको ये सब सुविधा मिलेगी। और जो OPD चालू किए, आज के तारीख में सिर्फ थर्सडे को रहता है लेकिन वो 30 दिन कंटिन्यू वो चालू रहे OPD, क्योंकि बस्ती काफ़ी बढ़ गई है और माहौल गांव वाले को खास करके उसका तकलीफ हो रहा, क्योंकि बस्ती 17,500 घर में एक भी दुकान नहीं है और वो सब लोड जो होता है वो माहौल गांव पे आता है, तो माहौल गांव वाले को भी सोचना है हमारे लिए माहौल गांव, क्योंकि सालों साल से माहौल गांव की समस्या है, उसका निपटारा नहीं होते हुए एडिशनल उनके ऊपर बोझ डाल दिया है, तो उसका निपटारा करने के लिए मैं लगातार कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को सुविधा कैसी मिले।